पूर्वी बहुत ज़्यादा खुश है। आई मीन इतनी मुश्किलों के बाद अनएक्सपेक्टेड था कि आरवी कभी उसकी मांग भरेगा। वो तो उसे अच्छा दोस्त ही मानती थी, लेकिन अब शादी हो रही है और उसने ये चीज़ नोटिस की कि उसकी फैमिली बहुत खुश है, उन्हें लड़का पसंद है, तो हाँ खुश है। मुझे रेड कलर का लहंगा दिया है। आई थिंक 2 महीने पहले मैंने प्रोमो में भी यही लहंगा पहना था, और इट्स ऑल रेड जो एक दुल्हन का रंग होता है। और मुझे कलीरे दिए हैं, हम पंजाबी है, चूड़ा पहना है मैंने। और आई थिंक सटल सी ज्वेलरी दिया क्योंकि ड्रेस काफ़ी हैवी है, मांग टीका है। और आई थिंक मुझे ना सबसे प्यारा लगा है ये 3 रोज़ेस, ये मैंने लगवाए हैं। मैंने आइडिया दिया था कि कुछ अलग करते हैं, तो मुझे रोज़ेस बहुत सुंदर लगे, तो बड़ा स्वीट सा, सटल सा, प्यारा सा लुक दिया है। सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि सारी फैमिली साथ में है। हम हार्डली ऐसे सब एक साथ मिल पाते हैं एक ही टाइम पे, कोई इधर शूट कर रहा होता है, उधर शूट कर रहा होता है, बट पूरी फैमिली साथ में है, सारे सीन साथ में हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स सब इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कपड़े दिए हैं सबको, और सीन्स आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है। आई थिंक सारी चीज़ें बहुत बेस्ट हो रही है। आई थिंक काफ़ी मिलेंगे बिकॉज ऑफकोर्स किसी भी डेली सोप में आई थिंक हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है, काफ़ी डिफरेंट होगी कि एक शादी में कितने सारे ड्रामा होने वाले हैं। जस्सी जेल से बाहर आ गया है, वो कुछ करने वाला है, उसे पता चला है कि पूर्वी की शादी हो रही है, वो भी आरवी के साथ। आशुतोष गुस्से में है, और आई थिंक अभी खुशी दी ने भी नहीं देखा है कि आरवी है कौन, और मेरी जीजू भी आ रहा है। तो आई थिंक काफ़ी सारा ड्रामा हो रहा है। और सबसे स्पेशल ड्रामा है कि मैंने के सर को भी इन्वाइट किया, जो मेरे पापा है, तो लेट्स सी क्या होता है, एक ही शादी में बहुत कुछ है। फॉर द फैंस थैंक यू सो मच गाइस, आप बहुत सारा प्यार देते हैं, एंड मैं आप सबके एडिट्स देखती हूँ, सबके मैसेजेस चेक करती हूँ। आई एम सो सॉरी मैं बहुत सारे मेंशन बैक नहीं कर पाती, क्योंकि हम इतने टाइम शूट करते हैं तो बहुत कम टाइम हमें खुद के लिए भी मिलता है। लेकिन आई होप आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा, एंड आई एम अश्योरिंग यू गाइस कि आगे बहुत अच्छे सीन आ रहे हैं। राजवी की शादी हो रही है, आरवी और पूर्वी की शादी हो रही है, तो प्लीज़ एपिसोड्स देखना मत भूलना। बहुत सारा ड्रामा होगा, बहुत सारी मस्ती होगी, और आई थिंक बहुत कुछ होने वाला है, मज़ा आएगा।